हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हमारी गाड़ियाँ कई बार क्या होता है, जब कुछ समय के बाद पीलापन शुरू हो जाता है या अक्सर व्हाइट गाड़ियों में ज़्यादा होता है। और पीलापन शुरू होने के बाद हमारी गाड़ियाँ में थोड़ा सा रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा कलर फेड होने लग जाता है। तो आज सारी समस्या का समाधान आज हम बताएंगे। और क्या होता है, मार्केट में हम जाते हैं रबिंग करवाने, तो रबिंग करवाने के हमारे से कोई चार्ज पेंट्री डेंटर जो हमारे से चार्ज वसूलते हैं वो 1500 रुपये का रबिंग का चार्ज वसूलते हैं। और आज हम आपका काम 300 रुपये में करके दिखाएंगे। और क्योंकि मेरी गाड़ी को 4 दिन हो गए, 4 दिन से मेरी गाड़ी धूप में खड़ी है, बारिश में भी खड़ी है, और मेरी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर रबिंग अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप देखना वीडियो में कैसे हमारी गाड़ी को हम चमकाते हैं। और ये आप भी करना बहुत ज़रूरी है, कई दिन छोटी मोटी स्क्रैच जो होती हैं वो रबिंग से जाएंगी। और ये बात देख लेना। और ये देखो हमारी गाड़ी के ऊपर कितनी डस्ट जमा हो गई, ये बहुत ही भद्दी तरीके से जमा हो गई है, उतर भी नहीं रही। देखो कितनी डस्ट आ गई चारों तरीके से, देख सकते हैं चारों। और आज हम अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से रबिंग मारेंगे, वॉश करेंगे, और सभी ग्लासेस को वॉश ग्लासेस के ऊपर भी रबिंग मारेंगे। और उसके बाद देखना हमारी गाड़ी कैसे चमक जाती है। सबसे पहले प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, हमारी गाड़ी को धोना पड़ेगा, और इस तरीके से साफ करने के बाद इस तरीके से हो जाएगी हमारी गाड़ी। और ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से मट्टी या वगैरह कुछ जम गया। और हम अपनी गाड़ी को पार्ट बाय पार्ट रबिंग करेंगे। सबसे पहले ये पार्ट करेंगे, उसके बाद ये फ्रंट लाइन पार्ट करेंगे, उसके बाद ये बम्फर पार्ट करेंगे, रबिंग करेंगे, और दोनों लाइट्स रबिंग करेंगे, उसके बाद ये रबिंग करेंगे, उसके बाद डोर्स रबिंग करेंगे। और गाड़ी को रबिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी होगा ये फोर्स का X1 रबिंग, और ये स्पंज जो कि रबिंग के बाद काम आएगा। और अब देखते रहना, ये दो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है गाड़ी में रबिंग करने के लिए। और शीशे के ऊपर भी हमने रबिंग मारी है, देखो अच्छी तरह से चमक रही है। और इस तरीके से यहाँ से सभी तरीके से सभी जगह से हमने अच्छी तरीके से पेंट मारा है, नहीं रबिंग मारी है सॉरी। और देख सकते हो आप अच्छी तरीके से गाड़ी चमक गई, लाइट्स भी बिल्कुल अच्छी तरीके से चमक गई, और ये देख सकते हो इस साइड से भी अच्छी तरीके से चमक गई। तो वीडियो अच्छी लगी, धन्यवाद।